हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो नेताओं को काम निकालने के बाद पूछती तक नहीं है। अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने सिंधिया के साथ यही किया है। जब तक सरकार बनवानी थी तब तक शिवराज महाराज के इर्द गिर्द घूमा करते थे, लेकिन जैसे ही अपना काम बना वैसे ही सिंधिया को दूर कर दिया। जी हाँ, उपचुनाव में जारी हुई बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया को उच्च दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि निचले स्थान पर रख दिया गया है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सिंधिया पर भरोसा नहीं करती बीजेपी? क्या बीजेपी को सिंधिया पसंद नहीं? क्या सिंधिया को बीजेपी नहीं समझती जिताऊ प्रचारक? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस सिंधिया के सहारे फिर मध्य प्रदेश में कमल खिला, जिसके सहारे फिर से शिव को सिंहासन मिला, उस सिंधिया को ही बीजेपी ने किनारे कर दिया। इस लायक भी नहीं समझा कि स्टार प्रचारकों की सूची में कम से कम टॉप 5 में तो शामिल किया जाए। पार्टी ने कुल 30 स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें सीधा 10वें स्थान पर रखा है। बीजेपी के टॉप प्रचारक, पहले नंबर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीसरे नंबर पर दुष्यंत कुमार गौतम, जो पत्रकारों को कांग्रेस मानसिकता का बताते हैं, विनय सहस्रबुद्धे को चौथे, और पांचवें नंबर पर केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जगह दी गई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को 7वें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 8वें नंबर पर स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें केंद्र की ओर से किसी भी एक बड़े नेता को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, JP नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता गायब हैं। केंद्रीय नामों को लेकर इसलिए विवाद नहीं हो रहा क्योंकि अक्सर उपचुनाव में दिल्ली दरबार से कम ही लोग दस्तक देते हैं, लेकिन सिंधिया को 10वें नंबर पर रखना समस्या परे है। ये वही सिंधिया है जो अकेले अपने दम पर अंचल की 34 में से 28 सीटें जिताने का दावा करते हैं। अब जब बीजेपी सिंधिया को नहीं पूछेगी तो कांग्रेस चुटकी लेने से कैसे पीछे हटेगी? जो सिंधिया जी कभी कांग्रेस में नंबर 1 पे रहा करते थे, अभी भाजपा में जो सूची है इसमें 10वें नंबर पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा ने उनको उनका उचित स्थान दिखा दिया, और दूसरी बात, अब मुझे लग रहा है कि भाजपाइयों के उनके नेताओं को भी इस बात का इल्म हो गया है कि जिस प्रकार से सिंधिया जी की लोकप्रियता घट रही है उससे उसी के अनुसार उन्हें स्थान दिया गया, और अब मुझे लगता है कि सिंधिया जी को भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उनने भाजपा में आके जो आत्मघाती निर्णय लिया उससे दिन प्रतिदिन जो है उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनकी साख भी गिरती जा रही है, और ये साख ही है उनकी जिसकी वजह से मुझे लगता है वो 10 नंबर ही बन गए। बीजेपी की सूची पर जैसे ही सियासत छिड़ी वैसे ही बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अब नेता सिंधिया को लेकर सफाई दे रहे हैं। सिंधिया जी को जो 10वें नंबर पर रखा गया है, राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सूची में ऊपर नीचे होना वो तो जनता के दिलों में बसे हैं, और जनता भी उनको आशीर्वाद दे रही है जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं। ये तो कमलनाथ सरकार ने उनका अपमान किया है, और उनको जब कहा गया कि कांग्रेस छोड़कर वो इस भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए आए क्योंकि जब उन्होंने कहा मुझे किसानों के लिए उनके लिए धरने पर बैठना है तो उन्होंने कहा धरने पर बैठ जाइए, जब उन्होंने कहा विकास की राशि देनी है तो कांग्रेस ने उनका बहुत ही बड़ा अपमान किया, और उन्होंने कहा ना उनको जो अध्यक्ष का जब बात आई तो खुद ही कमलनाथ बन गए अध्यक्ष, और खुद ही वहाँ पर जब जन आशीर्वाद में 15 महीने जब सरकार रही उन्होंने जनता को धोखा दिया, सारे जो विधायक थे उनके नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आए। इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की सूची, ये जो विषय उठाना बिल्कुल ही निराधार है। वो वैसे ही सूर्यवंशी हैं और उनको पूरी दुनिया में ही इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फूट डालो राज करो, ये सिर्फ कांग्रेस ही सोचती है। बीजेपी ने अपनी सूची में केवल सिंधिया को ही साइडलाइन नहीं किया है बल्कि कई और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे में पार्टी का घिरना तो लाजमी है, लेकिन अब तक सिंधिया चुप्पी साधे बैठे हैं जबकि कांग्रेस आक्रामक है। अब देखना होगा कि वो क्या जवाब देते हैं। डीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।